नमस्कार, मैं संदीप नोकवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आप फेसबुक यूट्यूब पर संदीप नोकवाल सर्च करेंगे तो आपको मेरा पर्सनल चैनल मिल जाएगा। तो फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम संदीप नोकवाल सर्च कीजिए एंड आप फॉलो कर सकते हैं। नीचे हेडलाइन चल रही है, किसी भी न्यूज़ के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ INLD। कभी हरियाणा में सरकार होती थी और कभी हरियाणा के अंदर बहुमत से सरकार इन्होंने बनाई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ से CM रहे हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि 2019 चुनाव में एक सीट पर सिमट गई INLD का जनाधार खत्म हो गया। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? INLD जब परिवार एक था 2014 चुनावों के अंदर, तब भी INLD ज़्यादा सीटें नहीं निकाल पाई थी, तब भी 2 सीटों पर सिमट गई थी। तो ऐसा क्या हो गया कि कभी मुख्यमंत्री देने वाली INLD पार्टी खत्म हो गई? सबसे बड़ी बात जो हेडलाइन है मैं उस पर चर्चा करता हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि दुष्यंत दिग्विजय गद्दार है, ये जब मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। आज ये उनकी बात साबित हो चुकी है। आज 2023 चल रहा है, अगर आप किसानों से पूछेंगे तो वो भी यही बात कहेंगे कि दुष्यंत चौटाला जी गद्दार है। अगर आप पहलवानों से पूछेंगे तो भी वो यही बात कहेंगे। अगर आप चले जाएंगे खाप पंचायत के अंदर या खाप लोगों के अंदर, खाप नेताओं के बीच, शायद आपके चेहरे पर आपके सामने ना कहें लेकिन वो भी यही कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला जी .com के लिए गद्दार है। मैं इस बात पर ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। जो ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो बात कही थी वो सच हो चुकी है 2023 के अंदर, और अब ये सवाल उठता है कि आखिर किस ऐसा वो रामबाण कौन सा है जिसके दम पर उप मुख्यमंत्री लोकसभा में 3 सीटें मांग रहे हैं भाजपा पार्टी से, और ऐसा रामबाण कौन सा है जो आज होने वाली जुदाना जीत रैली के बीच दुष्यंत चौटाला जी डिमांड कर रहे हैं 10 सीटों की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जुदाना रैली में आपने देख लिया होगा, हालांकि रैलियों में भीड़ तो हो ही जाती है, लेकिन भीड़ का मतलब ये नहीं होता कि ये सारी की सारी भीड़ आपको वोट करेगी या ये सारी की सारी भीड़ आपके वोटर है। अच्छी बात है कि उन्होंने ताकत दिखाई, लेकिन अब मैं यहाँ पर सीधी सीधी बात करने वाला हूँ। INLD क्यों गिरी अरस से फरस तक? परिवार अलग हो गया, जो रामायण के समय हुआ था रावण के साथ, विभीषण ने रावण की लंका को ढा दिया था, इसी प्रकार से INLD अरस से फरस पर गिर गई, क्योंकि परिवार के अंदर मतभेद चल रहे थे, परिवार अलग हो गया, परिवार अलग होने की वजह से INLD अरस से फरस तक गिर गई। दूसरी बड़ी बात, इसके पीछे अजय चौटाला जी एंड ओम प्रकाश चौटाला जी JBT घोटाले में फंस गए और JBT घोटाले में जेल हो गई, इसलिए INLD अरस से फरस तक गिर गई। अब JBP कैसे अरस से फरस से गिर रही है? 2019 चुनाव में 10 सीटें निकाली, सरकार के अंदर भागीदारी रही, लेकिन अब किसान नाराज और खाप नाराज, यही कारण है कि अरस से फर्श पर JBP गिर रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि गिर गई है, ये तो 2024 चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन गिर रही है इस बात में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसको लेकर आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, क्या ओम प्रकाश चौटाला जी की बात जो सच हुई है, जो गद्दारी वाली बात, इसको लेकर आप अपने विचार जरूर लिखिएगा। ये मेरे अपने निजी विश्लेषण है, इससे किसी राजनीतिक देश भावना को ठेस पहुंचाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं। जुड़े रहिएगा 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।